हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें मृणाल ठाकुर का नाम भी जरूर शामिल होगा। अपनी कमाल की अदाकारी का जलवा मृणाल ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक बिखेरा है। मौजूदा समय में शादी की खबरों को लेकर मृणाल ठाकुर का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक साउथ एक्टर के साथ वेडिंग की खबरों की वजह से फिलहाल मृणाल लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बनी रहती है। फैंस भी इन सेलेब्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहता है। हाल ही में मृणाल ठाकुर का नाम भी शादी की खबरों को लेकर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे मृणाल ठाकुर की शादी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक अवार्ड शो के दौरान साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर अल्लू अरविंद की वजह से एक्ट्रेस की शादी की खबरों को हवा मिला। दरअसल इस अवार्ड शो में अरविंद ने मृणाल ठाकुर को आशीर्वाद देते हुए कहा था, मैं चाहता हूं मृणाल जल्द से जल्द हैदराबाद में सेटल डाउन हो जाए। इस बयान के बाद आने के बाद मृणाल ठाकुर की शादी को लेकर कयास तेजी से लगाए जाने लगे हैं और ये चर्चा तेज होने लगी है। 31 साल के मृणाल ठाकुर किसी साउथ एक्टर को डेट कर रही हैं और जल्दी हो सकता है वो उनसे शादी कर हैदराबाद में बस जाएंगे। हालांकि इस मामले की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है। एक टीवी एक्ट्रेस के बाद मृणाल ठाकुर ने बतौर बी टाउन एक्ट्रेस का शानदार सफर तय है। साल 2018 में आई फिल्म लव सोनिया से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली मृणाल ने अपने फिल्मी करियर के दौरान सुपर 30, बाटला हाउस, तूफान, जर्सी धमाका और सीताराम जैसी कई मूवीज में काम किया है।